हेलो। हाँ पापा जमाली। डाडू साई अस्सलाम वालेकुम। डाडू साई केड़ा हाल तई? मोला जो करम आ तू बता परात का हाल हो गया? जी जी डाडू साई एवरीथिंग काम हो गया है, बस खाने वाले के पास जाना है डाडू साई। बाकी डाडू साई हाल वाला सेटिंग का पूछ रहा था डाडू साई, मेरे को तो कोनो समझ नहीं आ रही डाडू साई। तुम ऐसा करो जाके चेक करके आ जाओ डाडू साई, अपने हिसाब से सेटिंग करवा लो। अरे बाबा जो होती थी करवा देता जमाली, टाइम कौन होनी है बाबा? डाडू साई टाइम तो वाकई कौन होनी है, लेकिन डाडू साई कोई कमी नहीं होनी चाहिए ना डाडू साई, साई वालों के साइड से। सही बोल रहा हूँ ना डाडू साई? फिर बाबा बिल्कुल सही बोल रहा है, साई के साइड से कोई कमी पेशी नहीं होती। चल बाबा ठीक है, मैं जाके देख लेता हूँ, हाल बता किधर है। डाडू साई आप टेंशन ही नहीं लो, मेरी शी को बोलता हूँ, वो शोका तो को लोकेशन समझा देगा शॉर्टकट वाली। ठीक है डाडू साई? पापा ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज डाडू साई, मेरे प्यारे डाडू साई, आ जाओ अपनी मौत की तरफ। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। अबे भाई वही वाली काबली सीटें लगा देता हूँ और काबली इंटीरियर। उस्ताद तो ला के नहीं दे रहा, टोपियाँ पे टोपियाँ मिले जा रही हैं, इंटीरियर आके ही नहीं दे रहा है। जी भाई की बारात भी सर पे खड़ी है, तो तूने भी मेरे को चिपका दी गाड़ी, एंड में मैं ही जलील लूँगा। इससे अच्छा काबली पहन लेता हूँ, बाकी शादी के बाद देखा जाएगा इंटीरियर क्या डलना है क्या नहीं। वैसे भी सबका ध्यान तो बाहर ही आएगा। अबे भाई फटीके लेने से पहले ना इंसान देख ले कौन सी गाड़ी और क्या चीज़ उसकी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब आप फटीक ले लो अड़ावड़ी में बोल तो दो, फिर बाद में जो है ना दूसरों पे गालियाँ दो कि टूट करके दे ये करके दे। बताओ सारी बल्ली मेरे पे, आज गाड़ी तैयार करके दे दी तो सही है, नहीं तो सब डाडे ये क्या कर दिया, डाडे वो क्या कर दिया। भाई अब है भी जापान में, अगर यहाँ होता तो हम जुगाड़ भी मार लेते, अब हमारे इतने ताल्लुकात तो है नहीं कि भाई जापान से मंगाए। अब ये कौन आ गया यार, कौन कौन है, जाना ही पड़ेगा यार। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, तनी क्या हुआ है, कौन है ये, कोई अपना तो नहीं लग रहा, वरना वो हॉर्न से बजाता मुर्दा उड़ गया। अबे आ गया कौन, एक तो एक। अबे भाई क्या उधार मांगने आयो? नहीं सर TCS। आवाज नहीं आ रही थी क्या? नहीं सर जब ही तो बजा रहा था। अच्छा भाई हमने तो कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं किया भाई, क्या TCS? सर जी ये बाबू उस्ताद वर्कशॉप। जी जी आप बाबू उस्ताद वर्कशॉप पे ही खड़ो। अच्छा जी, तो सर इस लोकेशन पे जापान से पार्सल आए अली भाई की तरफ से बाबू उस्ताद के नाम पर, तो सर इधर प्लीज़ साइन कर देंगे आप और रिसीव कर लेंगे। रिसीव क्या कर लूँ भाई, क्या पैसे वैसे नहीं है भाई मेरे पास, क्या साइन करूँ भाई। सर जी पैसे से कुछ भी नहीं देना है, बस आप साइन कर दें और ये पैकेज रिसीव कर लें। और रिसीव वो बोले तो सर मतलब इस डब्बे को अंदर ले लें। अरे अंदर कैसे लेंगे, मतलब दुकान के अंदर ले लें। हाँ हाँ समझ गया, डेढ़ होशियारी नहीं। वैसे क्या बोला था तूने, कहाँ से आया ये ऑर्डर? सर जी जापान से। अच्छा समझ गया उस्ताद। देखो बहन के टोलो बारात के अंदर यही हरकत करनी है जो मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना? हाँ बताओ क्या करनी है। यहाँ पे चल लिए मार के, सही है कहाँ चल लिए स्टार्ट। अबे समझ लेना भाई, आप बोलो बोलो। यहाँ पे चल लिए मार के, यहाँ पे चल लिए मार टू, बीच में पापा गिरे वो तुम लोग आ रहे हो पीछे से खेलते हुए झूलते हुए, समझ रहे हो?
बाबा चेकअप पे बड़वे के बच्चे इंसान बच्चों दिया नहीं करो यार, यहाँ पे पहली फटी हुई अभी। अच्छा ना उटर बजाते हुए, हाँ उटर से आ रहा काले, वो भी बोल रहा भेड़ के बाबा फ्रेंकलिन भाई को तो बोलना आगे चले सबसे, वो तो देख लेंगे जानी। बहरहाल तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तैयारी अपनी ज़्यादा, अभी गाड़ियों पे पुल वुल भी, पुल वाले वो पकड़ के लिया तू खोती। ठीक है बाबा जा रहा हूँ बस, हाँ मैं जाता हूँ डाडे को टच करूँ, मार्किस का क्या सीन है, भेड़ के एक दिन ही कितने बचे अब। अबे 8 का दिन है बस, छोड़ गया वही ना, तू तो जामे से रगड़ लो चिपके अपने आप को, गाड़ी को भी, गाड़ी को साफ है अपने आप को रगड़ूँगा। अरे तू तो हंस भी नहीं, तेरे को तो मट्टी से लाना पड़ेगा। अबे तू चुप हो जा, तब बच्चोदियाँ बंद करो, अभी करना क्या है समझ गया हो ना। बाबा बेफिक्र हो जाओ, मैं यहाँ से निकलते ही जो है ना जा रहा हूँ फूल वाले, निकलते ही नहीं बस चलो अड्डे पे ले आइयो फूल वाले। अबे अड्डे पे नहीं दुकान पे, बाबा अड्डे पे करवाते यार, बहुत अरसा हो गया खोले। अबे रेंदे भाई पता लग रहा फिर किसी ने बाजी दे दी, वैसी आजकल बाजियाँ बहुत दे रहे लोग, इवेंट में कोई खून करावा नहीं हो। हाँ इवेंट के बात करेंगे बाबा धमाल। दादा भी पता नहीं भेड़ के सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पे। चलो तुम एक काम कर खोती, फूल वाले वो लेके छाप पे बहुत समझ रहा ना तू, भाई मैं क्या करूँ, तू इसके साथ जा। चलो सही है बाबा आ रहे हम लोग, हाँ चलो आ जा चिपके, मैं क्या करूँ, तू घर पे आ गया अपने आप को सुधार ले बड़वे। अबे यार मैं दुकान पे आ रहा हूँ फिर, आ जाइयो। काल उठा ले डाडे, अबे फोन पता नहीं कहाँ लेके बैठे होते हैं। वही ना ये मोटे के भी याद आटे। अबे चल छंटू तो यार अभी उसकी शादी है, वो तो बिजी होगा यार। बाबा वैसे इसने शेरवानी वगैरह बनवा ली होगी, जानी पूछ के बताता हूँ तेरे को। वैसे आपस की बात बताऊँ, जैसे दोनों बीफ बर्गर है बाप बेटे, मुझे तो नहीं लग रहा भाई शेरवानी वेरवानी, नाम सुना भी होगा इन्होंने भाई वैसे ऐसा सही बोल लो। चलो आ जाओ। वो तुम दोनों कौन से कपड़े पहन रहे हो मोटे की बराट में? जानी मैं तो शायद पेंट शर्ट पहनो या शलवार कमीज, बाकी टक लेना तो पहले ही बता दिया था मुझे, साड़ी पहन के आऊँगा मैं। अबे नहीं शराबत पूरी बात नहीं बता रहा है, मैंने इसको कहा था साड़ी पहन के आऊँगा, वो भी तेरी बाजी की घरवाली को थी बेटा। अबे यार हंसी तो नहीं आई यार, हाँ नहीं तो बेटा जिसको आनी थी आ गई। अबे चुप कर जाओ, अबे यार अर्षद भाई की गाड़ी का क्या हाल हो गया शर्ट? हाँ इस कंजर के बच्चे ही ऐसे मैंने अपनी गाड़ी की भेड़ को दे दिया यकीन मान, और इसकी गाड़ी नहीं बोलियो बेटा। अबे बस कर दो यार उस्ताद, हाँ यार बाबा लड़ाई साफ करो, खोती का घर साफ करो। अबे तेरे को बड़ी हंसी आ रही है शराफत। अबे तो यार चुप कर जाओ वे भाई, बहन के लड़ों का कटाओ अपन चलते हैं अर्षद भाई को मनाने। अबे मेरा केला मनाता है उसको, अर्षद को मनाऊंगा मैं, इतने बुरे दिन आ गए क्या, बाजी देता तो सोचता भी। हाँ लेकिन भाई बाजी की शादी हुई नहीं अभी तक। अबे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बस खत्म करो यार बाबा कसम से यार। अबे हाँ अबे तुम लोग तो अपना काम निपटा लो, मैं भी अपना निपटा लूँगा, फटाफट छाप पे पहुँचो पुल वाले को लेकर। चलो सही है भाई चल चल गोदी। बाबा वैसे ये टकले ऐसे भड़वे दोस्तों को कौन सी गाली देना पसंद करोगे, जो दूसरों की बाजियों पर नजर रखते हैं कि शादी हुई है नहीं हुई है? जानी इसको बाद में तफसील से गाली देंगे, अभी फिलहाल काब लिपटा गया हो, चलो दफा हो गया ही। उस हेड में नहा के आ रहा हूँ। हाँ जामे से रख लियो, हाँ बाल भी काट लियो, तो क्या देखती हो रही है, तो बहन के टोल लड़ते रहते हैं हर वक्त। अब सिगरेट का डब्बा, ओए खोते सिगरेट भी अभी ख़त्म होनी थी, चलो ले लेते हैं सिगरेट, लेकिन आज किसी नई दुकान से लेंगे। ओ नए ठेले से, ठेला किलो केबिन जो भी, पहले तो ये कोयले से शर्त लगा के पैदा होने वाले डड़े को काल लगाता हूँ भेड़ के, पता नहीं कहाँ फोन डाला हुआ है, अंदर लेके बैठे होते हैं इंसान, काल उठा के बता दे भाई ये फटी को गई है, नहीं काल ही नहीं उठाएंगे। माइया है जैसे इनके टोले, सही जलील करा था इसको उस दिन, तबीयत तो खुश हो गई थी इसकी अभी, लेकिन यार तरस भी आ रहा था बेचारे पे यार। चलो हो सकता बिजी हो लड़की। अर्षद भाई अबे बड़वे के बच्चों माशाल्लाह बोल लो, कितने की ले ली आप बच्चों की डालने, क्यों अर्षद भाई? छोड़ यार खुशी का दिन है आज अर्षद भाई, खुशी का दिन तो है, लेकिन ये भड़वे के बच्चे ज़्यादा देर तक रहने नहीं देंगे अगर इनका मुंह चुप नहीं कराया ना। अबे कह रहे भूल लेते यार,
अबे भाई अच्छी बात है यार, माशाल्लाह से अरशद भाई, अल्लाह तुम्हारे काम में और बरकत दे। अरशद भाई तुम इसकी जगह सीधा रेवो लो, रेवो। अबे रेवो होता है रेवो जाहिल, ऐसे अरशद भाई सारे जाहिल अपन नहीं पाले में। इसकी भेड़ का सिगरेट मारूं, ये क्या भाग रहे हैं? है इनको क्या हो गया? हाँ महारानी के जी, जी भाई। अबे गाड़ी ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? क्या हो गया भाई? ये तो तू बताएगा मेरे को देख के टेढ़ी में। ओ नहीं, 125 भाई, काम बोलो यार। अच्छा काम बोलो। हाँ। चुप, जाके गोल्ड लिफ्ट का डब्बा ला। हाँ, अच्छा जल्दी जा। जा रहा हूँ भाई। हेड का दो नंबरियां कर रहा है तू सिगरेट में कंजर। नहीं भाई वो टेस्ट ही नहीं आ रहा गोल्ड लिफ्ट का भाई, एक नंबर माल चलाते हैं आप लोगों की तरह नहीं, दो नंबर काम करते हैं भाई। खलाल की 125 लिए। तेरे जरा से मरे नहीं है ना अभी तक, डंडे काफी नहीं था तेरे लिए? अबे भाई क्या हो गया यार, बदमाशी है क्या? बदमाश हो क्या आप? वो बढ़ गए तेरे को बताता हूँ। अच्छा अच्छा भाई, इंसान बन जा इंसान, समझ रहा ना? हाँ। और ये लोंडे क्यों भागे मेरे को देखते ही? वो समझे फिर कूटने आ गया तुम। बहुत खूब, यही डर चाहिए था। मोटे की बना दे, कल आ जाइयो, सही है ना? हाँ आ जाऊँगा। कोई काम है तो पापा बता दिएगा, ये तो आपके मुंह से फटा जाएगा नहीं। भाई कोई काम है तो बता देना। नहीं नहीं अब ज़रूरत भी नहीं है। और मुबारक हो 125 के लिए। फिर मुबारक। गेंदू के बच्चे ने मिठाई का भी नहीं पूछा, जब ही तो इसके पास आता नहीं हुआ। पलीत आदमी है बड़वा, इनका टोला बेकार आदमी है बिल्कुल। चलो वे मूड तो फ्रेश हुआ, डाड़े को काल लाऊं, पता नहीं क्या फिर नहीं उठा रहा यार पड़वा। मर मरा तो नहीं गया, करंट वरंट में चिपक गया कहीं? अल्लाह ना करे यार, शाप पे चल के देखता हूँ। बाबा शोका तो ऊँट चेक कर ले ले क्या कुर्बानी के लिए? नहीं सही हेड बाबा, क्या कर रहा है शोका? तो जोतिया हो गया है क्या? साई साई वो बिल्ली आ गई थी। बात हो आराम से ब्रेक मार तू बिल्ली। और बाबा ये कहाँ से लेके चल रहा है तू? साई ऋषि ने यही एड्रेस समझाया था, बोला था छोटे साई ने बोला यहाँ से जाइए शॉर्टकट है और सीधा भी पहुँचेगा। अच्छा बाबा चलो ठीक है। बाबा ये कौन लोग खड़े रोड के बीच में? करो तो ना काफी है। गाड़ी को बुरी तरह छल्ली कर दिया, बहुत आना। कलाशन दे इधर, कंफर्म करने दे मेरे को अपनी तरफ से भी। जी जी भाई, डाडो साई, अल्लाह हाफिज। अरे साई पे हाथ उठाओगे तुम? हाँ डाडो साई।
नहीं, कुछ और बताओ ना। खाना खाया? हाँ मैंने भी खा लिया। क्या दादू साई का इंतकाल हो गया है? ऋषि बहुत खूब। ये खुशी की खबर ना जिसको भी सुननी चाहिए, आखिर हमारे प्यारे डाडो साई का इंतकाल हुआ है। बाबा अब कयामत है तुम लोगों पे फेड़ जे चुड़वारो। बाबा नाजिश नाजिश, तुमसे बात मत करती हूं। भाग क्या हो गया भाग? नाजिश क्या हुआ भाग, क्यों रो रहे हैं आप? बाबा डाडो साई का इंतकाल हो गया बाबा नाजिश। क्या भाई रोने का वक्त नहीं है बाबा नाजिश। बाबा खुद को संभालो बाबा, थोड़ी देर में डाडो साई की डेड बॉडी आ जाएगी बाबा। बाबा छोकरे वालों को भी बुला लो बाबा, सबको बता दो बाबा डाडो साई अब इस दुनिया में नहीं रहे नाजिश। तुको संभालो बेटा, मैं जा रहा हूँ तीजे की तैयारी करने। बाबा तीजा तो मेरे ख्याल से 3 दिन बाद होता है ना। चलो बाबा कोई नहीं, फिर पहला पहले की तैयारी कर लेते हैं। अरे बैठी संजना भरोसा तेरे प्यार दे। पर नाजिश की खाल आ रही है, साइड में लाओ गाड़ी, चाय भी ले लूँगा यहीं से ही। अब क्या हो गया? सबर नहीं है जरा सा भी पागल। हेलो, हाँ नाजिश। अब क्या हुआ, रो क्यों रहे हो यार, क्या हो गया? अब मैं भी गाड़ी ड्राइव कर रहा था जब ही देर से उठाई यार, काल इस बात पे रो रही हो ना? अब क्या हो गया यार नाजिश? साई का इंतकाल हो गया? क्या मतलब नाजिश? हेलो हेलो, अब ये क्या कह रही है, पागल हो गई है क्या ये? पापा की गाल, पापा इस टाइम पे करनी थी तुम्हें। हेलो, हाँ पापा, पापा काल नहीं उठा रहा था, ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये साई का इंतकाल हो गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, नाजेश की काल आई है, बोल रही साई का इंतकाल हो गया। हाँ यार पापा चलना पड़ेगा यार, जल्दी से आ जाओ, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। डाडे डाडे मेरी जान, कहाँ मार आ रहे हो? अबे डाडे कहाँ इसकी भेड़ का? माइकल दादा, इसको क्या हो गया? हेलो, हाँ माइकल दादा, तू खबर? अबे क्या कह रहा भाई, दवाई लाके नहीं पी गया तूने? हाँ मुझे पता, वो हरू भरू उंगले करता है, फजूल में मेरे को भी मकैनिक बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है भाई कि तू उसको मरवा ही देगा। अबे इंसान का बच्चा कर बन जा भाई, बच्चोदिया नहीं कर माइकल। हरू भरू तू अच्छे वाले मूड की बजा रहा भाई। अबे क्या कह रहा है वाकई में, ना कर यार, कैसे? अच्छा सबको लेके आऊं? अबे हेलो हेलो, अबे बता तो दे कितने बंदों को लाऊं,
सही बोल रहा हूँ ना डाडे, पता लग रहा अपन सबको ले जाए और उस दिन की तरह बिरयानी कम पड़ी है, वही मैयत वाला सीन। हाँ उस्ताद वैसे हुआ क्या है? तुम मेरा बेटा बैठो बताता हूँ। तेरी में भेड़ का पराठा मारू डाडे। क्या हो गया उस्ताद? हराम घोर, ये क्या चिरान डाली है तूने? कौन से उस्ताद? मेरे केले की भड़वे, ये डैशबोर्ड कहाँ से उठा के लाया तू? अबे चमार बच्चोदी नहीं कर रहा बता। वो यार उस्ताद हद वही यार, वैसे भी तुम ड्रामेबाज हो तो मैं डाडे मोचड़े रख दूंगा तुम्हारे। तो मतलब यार भेड़ का डाडे, तू इतना हरामी है यार, तू भंड भंड तो मरवाने नहीं लग गया गई? अबे यार उस्ताद नहीं यार, अबे यार ड्रामे नहीं करो, बता बेटा अब सीरियस पूछ रहा हूँ, देखा अब बच्चोदी नहीं कर बता रहा हूँ। अबे यार उस्ताद डाडे बता रहा है या नहीं? अरे अच्छा अच्छा यार उस्ताद, गुस्सा क्यों हो जाओ यार? एक तो तुम ड्रामो में ना गुस्सा हो जाता हो यार, हद हो गई है। खुद ही तुम यार अपने दोस्तों को के पैकेज भिजवा दे तो, और खुद ही मुकरिया तो गुस्सा भी, देख लो डब्बा पड़ा है। डब्बा पड़ा हुआ है? हाँ ना, ये इसी डब्बे में तो आया था उस्ताद, जापान से आया था, बोला बाबू उस्ताद के नाम पर आया है। जापान से आया है? किसने भिजवाया? उस्ताद पता नहीं, कोई बोला था अली भाई हैं, बाबू उस्ताद के नाम पे भिजवाया है, आप इधर साइन कर दें। मैंने साइन कर दिया और फिर मैं समझ भी गया था, क्योंकि तुम ही बोल रहे थे इसका डैशबोर्ड वगैरह जापान से ही आएगा, यहाँ मिलेगा नहीं। फिर और खोल के देखा डब्बा तो वाकई में ओरिजिनल वाला था, मैंने फिर बेल दिया। मैं समझ गया था उस्ताद का ही काम है, और कौन कर सकता है। तुम तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे तुमने नहीं भिजवाया। भेड़ के टोले, क्या हो गया उस्ताद? समझ गया किसकी चिरान दे, शायद ये वही हो जो मैं सोच रहा हूँ। अच्छा उस्ताद, भेड़ क्या बेल पे भी गाड़ियों की आवाजें लगाएंगे। हेलो उस्ताद। बेटा सलाम करते हैं पहले, देख अबर। अबे सांस तो ले ले मेरी जान के टूटे, देख अबर। अल्लाह करम भाई, बस वो तुम्हें पार्सल भी जाया था, मिल गया तुम्हें पार्सल? भेड़ क्या, अबे यार मैं वही डाढ़े पे खड़ा कर रहा हूँ अपना, भेड़ क्या तू, अबे तेरे को पता कैसे चला पहले तो ये बता। अबे यार वो मैं शेरशाह गया था, वहाँ पे इंजन ढूंढ रहा था मैं। अच्छा, वो तुम्हारा तोतू जो है वहाँ पे लगा पड़ा इंजन, वो मार्केट के इंडिया ढूंढी जा रहा, मिल नहीं रहा। अच्छा, भी ऐसी पड़ी थी। अबे यार क्या कर रहे हो? अच्छा तो बोलता है यार वो मार्केट से इंडिया मिल के नहीं दे रहा। अच्छा, कौन भाई जापान से मंगाए? अबे यार इन इस भड़वे वो 10 दवा समझाए, दूसरों के सामने आरआर नहीं करा कर, लेकिन अब तुम हमें दूसरा समझोगे हैं उस्ताद? अबे नहीं यार जाने बात, तू तो भाई है यार, तू ये जानता है यार भेड़ की। अबे लेकिन इन पे गुस्सा नहीं आता पता, तू खुद हराम पाई है, दूसरों के सामने रिंडो टर्न रुक कर रहे हैं, आज तेरे सामने कर रहे, कल किसी और के सामने करेंगे। अबे यार नहीं ऐसा थोड़ी होता उस्ताद, अब इत्तेफाक से मैं मंगा रहा था अपने लिए, मेरी मार्केट की खुली पड़ी है। अच्छा अबे अच्छा नहीं लग, अबे गांडू ने सारे फूल गिरा दिए। अबे यार सीट पे बदबू हो जाएगी, हद हो गई है। सर जी माफ कर दे, चल चल थैली में भर फटाफट, उतर गाड़ी से, आ जल्दी बार भड़वे, टाइम नहीं है, नहीं तो मोचड़े रख के लाना चाहिए था इसको। अब चल कोई नहीं, आ जा, चंटू की शादी है यार, जब भी बर्दाश्त कर रहा है। अब आ जा, अब क्या यही रहेगा, आ रहा हूँ सर। वाह 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 भाई, नई नई गाड़ियाँ बन रही है भाई। यार अबे नहीं अली, अच्छा नहीं लगता जानी, पैसे तो मैं भेजाऊंगा बेटा। नहीं यार क्या जिम्मी हमारा भाई लगता उस्ताद, जी बातें करो तुम। अबे यार फिर भी यार समझा कर जानी, अच्छा नहीं लगता ना देख। नहीं नहीं यार तुम ऐसा करना, जिम्मी की शादी की मिठाई भिजवा देना ठीक है? अबे मिठाई क्या, तू आ नहीं रहा? नहीं यार उस्ताद बस वो भाई का बेटा पैदा हो गया ना, तो उधर बिजी चल रहा हूँ बस। अरे वाह वाह भाई मुबारक हो, चल फिर मिठाई के पैसे भी बचा लेता हूँ, तू ही खिला दियो। चल सही है जानी, मैं निकल रहा हूँ, सही है। अल्लाह हाफिज। उस्ताद कौन था? तेरा बाप। अबे यार उस्ताद भेड़ क्या, कॉल करके पूछ लेता भिजाया नहीं भिजाया मैंने। अबे यार हुआ क्या है? कुछ नहीं बे, ले आया तू फूल लाले को? हाँ बाबा ये रहा फूल, से याद आ भेड़ के, बैठो जल्दी गाड़ी बैठो। भाई हुआ क्या है? अबे बैठो जल्दी, बाबा ने बोला बैठने का तो बैठने का, बकवास नहीं करने का। चल दूर हट, मेरे को जाने दे पहले। अबे भेड़ी और भड़वो, कसम खुदा की यार माँ को दे दिया डैशबोर्ड ने ना अली वाले। हाँ डाडे, हाँ
बवा वैसे यार चल कर रहे हैं, गाड़ी तो प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अबे चल कर रहे हैं भेड़ के मैयत में चल रहे हैं, वो नहीं था मोटे का वो ससुर साई, हाँ साई वो भाई लुढ़क गया, कल्टी जागा नारा दे दिया उसने दुनिया से। भाई क्या कह रहे हो, तेरा भेनो ही था वो? नहीं भाई, फिर हैरान क्यों हो रहा है ऐसे? बस कर जाओ मैया तो वही है वाक्य में, बवा तो शादी के अंदर फूल वाले को भगा दूँ। अबे नहीं नहीं बे क्यों भगा दूँ, मोटे शादी होके रहेगी भाई, मोहब्बत हो उसकी। एक काम करना, इसको बोल भाई गाड़ियाँ यहीं खड़ी हैं, चाबी दे दे इसको, कार्रवाई शुरू कर दे अपनी, हम लोग आ रहे हैं आधा पौन घंटे में। अच्छा आवाज़ सही है, डाडे चाबियाँ दे दे उसको। उस्ताद मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। क्यों बे यार उस्ताद, हालात सही नहीं है, पहले और पूरी दुकान और गाड़ियाँ इसके हवाले छोड़ के जाना सही नहीं लग रहा। हाँ ये तो सही कह रहा है भाई, चल पे ठीक है, उतर उतर, अल्लाह हाफिज़। लाफिज हाँ भाई आओ पास। मामा मामा भेड़ को दे दिया, देख रहा है तू फिर? हाँ बाबा भाई एक्सीडेंट के बाद यार कितनी अच्छी हो गई है ना। हाँ बाहर से भी टाइट लग रही है भाई। अबे बाहर के तो बाद में देखे, इंटीरियर से देख तू बाबा, इंटीरियर इसको बोलते हैं ना ये जो पकड़ा तुमने। अबे लड़ू अबे इंटीरियर इसको बोलते हैं ये जो दरवाजे में लगा है ना। अबे तुम चुप कर जाओ भड़ो, ये जो आगे डैशबोर्ड ये बड़ा बना सा बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अच्छा अच्छा आज यहाँ पे पुलिस लाइट भी लगाते हैं अपन। अब आइए ना भूसे में बात समझ, चुपोया तुम्हें बता रहा हूँ चुपोया, वहाँ पे जाके अपनी औकात मत दिखाना, मैयत में जा रहे बड़ो। हाँ हाँ बेफिक्र हो यार भाई, ओ अरशद भाई के पास गए थे क्या तुम? चुपोया तू, कांटा मारने दे फूल मुझे भाई, कहीं मैयत में जा रहे अपनी ना हो जाए भाई, ख्याल करना यार। हाँ हाँ चुप। अरे यार खुद को संभालो, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा साई बिल्कुल फिट था, बस जो अल्लाह को मंजूर हो। नाजिश यार मुझे तो मैं देख के यार बहुत दुख हो रहा है यार, खारिश भी मची रही पूरे जिसम में यार, पता नहीं यार नाजिश सही हो जाओ यार। बड़वे के बच्चों वहाँ पे जाके ये नहीं पूछ लेना मेन्यू में क्या है, मैं बता रहा हूँ गेंद फाड़ दूंगा तुम्हारी। हाँ हाँ नाई नहीं बाबा ये टकले को बस समझा लो बस। हाँ मैं सब भाई बंदे भी कम है। अबे गाड़ी कहाँ लगाऊं बाबा, अंदर डाल दो। अबे ये माइकल भाई यहाँ क्या कर रहे हैं? अबे तो भाई ये चरिया है, छोड़ इसको, भारी लगानी पड़ेगी, वो मोटा लगा हुआ भाई अपनी बच्ची से। अबे यार ऐसे कसम कुदागी मेरे को भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ बाबा लेकिन यार वो बुढ़ाऊ तुम्हें मकैनिक मकैनिक बोलता था। अबे यार फिर भी भेड़ किया कि यार अपना गोती बंदा तो सही था यार, जीनियन बंदा था। चल भाई आजा, आप क्या करें यार, उसे टाइट लग रही है यार माँ की। आजा आजा अभी दुखी हो जाओ, रोने ऐसी शक्लें बना लो बड़ो। अबे क्या हो गया, वो बेवा औरत लग रहा तू कंजर, अफ्रीका की चुड़ैल। चुप हो जाओ, रोने शक्लें बना लो। बड़ा अफसोस हुआ यार कसम। हाँ बाबा बस बहुत हो गया बाबा, अफसोस बाबा, जाने वाला तो बाबा चला गया बाबा, छोड़ूंगा नहीं बाबा मैं जिसने भी डाडो साई के साथ किया बाबा। राजेश मत रो मेरा बेटा, नहीं रो, तेरा भाई बदला जरूर लेगा, चुन चुन के लेगा ये और इन सब भेड़ जो चुड़वारों से। जी भाई कुछ नहीं, वैसे जमाली वो साई की डेड बॉडी ला रहे हैं, बात हुई तुम्हारी हॉस्पिटल वालों से? पता नहीं बाबा कुछ यार। बाबा मेरा डाडो साई आ गया बाबा। अबे यार भाई मेरा तो दिल धक धक हो रहा है। अच्छा नाजिश संभालो भाई। बाबा ये तो शायद गार्ड है ना उसका। पता नहीं यार साईं के साथ ऐसा कैसे हो गया। हाँ
हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? मेरे हाल का तो पता ही होगा ब्लैक एंड वाइट फिल्टर देख के। तो यार भाई, स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। साईं मर के कैसे आया? हाँ, मुझे पता है, ये बोल सकते हो आप, कुछ बोल सकते हैं। तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टोरी इनकम्प्लीट है और आगे कंटिन्यू होगी, तो ये कमेंट ना करना। और दूसरी बात, आपको पता है कलर कैसे भरने हैं? कमेंट में बताना, अच्छी है बुरी, सही है ना? और बस, पीस, अल्लाह हाफिज़।